उज्जैन के इंदौर रोड पर हफ्ता वसूली को लेकर हुए विवाद में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके साथियों ने मिलकर वृंदावन ढाबे के संचालक पर चाकू से हमला कर पिस्टल तानी। चाकू से हुए हमले में संचालक घायल हो गया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। 14 जनवरी को इंदौर रोड हाईवे पर वृंदावन नामक ढाबे की शुरुआत की थी, जहां होटल के बाहर आरोपी का फोटो नहीं होने पर विवाद हो गया, जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वही मामले में एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पारासर ने कहा कि मामले की जानकारी सामने आई है। अब तक बदमाश फरार था। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। मामला लेन देन का भी पता चला है। जानकारी मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी, जिसकी विवेचना की जा रही है। इसमें जो आरोपी गण है अभी दस्तयाब नहीं हुए हैं, जिनकी तलाश हेतु टीमें रवाना है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि उज्जैन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाकर आरोपियों पर कार्यवाही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।